नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। दुनिया भर के बाजार छुट्टी के मूड में हैं। कल क्रिसमस का त्योहार मनाया और आगे नए साल का इंतजार है। ऐसे में आपको बता दें, मंगलवार के दिन एक दायरे में बाजार ग्लोबल मार्केट्स देखने को मिले। अमेरिकी बाजार के लिए आधे दिन का सेशन था और उसमें भी एक दायरे में कामकाज देखने को मिला। डाउ करीब 36 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ और एसडेक्स निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हैं 12,237 के लेवल्स पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। खबरों वाले शेयर्स हमें देवांशी बताएंगी। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि आज एक्सपायरी पर ब्रोकर्स का क्या मानना है ये बताएंगे, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ है जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमारे साथ शेयर करेंगे। शुरुआत दीपांशु आपसे, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार के संकेत, छुट्टी का मूड है, कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, एकदम छुट्टी का ही मूड है और जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादातर बाजार दायरे में ही रहे। हालांकि निके जो जापान का बाजार है वो इस समय मजबूत ट्रेड कर रहा है, वहीं हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के बाजार आज बंद हैं। मंगलवार को आधे दिन का ही ट्रेड रहा अमरीकी बाजारों में, पर नैसडैक ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले 9 दिनों से लगातार ये रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। वहीं डाउ में तकरीबन 36 अंक की गिरावट हुई, S&P 500 भी एकदम सपाट रहा, एसजेएक्स निफ्टी में इस समय हम कोई भी बदलाव नहीं देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ट्रेड डील जल्द ही साइन हो जाएगी, कोई नई बात नहीं है, बट एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जल्द साइन हो जाएगी। कुछ संकेत बता रहे हैं कि शायद जनवरी के पहले हफ्ते में ये ट्रेड डील साइन हो सकती है, तो अगले 2 हफ्तों में किसी भी समय ये ट्रेड डील साइन हो सकती है, ऐसे संकेत आ रहे हैं, पर देखना पड़ेगा क्या मूवमेंट होता है। यूरोप के बाजार से भी अच्छे ही संकेत रहे। स्टॉक 600 कॉम्पोजिट इंडेक्स है पूरे यूरोप का, वहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिली, नया रिकॉर्ड बनाया वहाँ पर ज़्यादा बदलाव वैसे नहीं रहा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती रही। सोना अपने 7 हफ्तों के उच्च स्तर पर है, $1,500 के ऊपर है इस समय, सो वहाँ से एक संकेत आ रहा है। और कच्चा तेल सबसे बड़ा संकेत यहीं से आ रहा है, एक बार फिर से बढ़त देखने को मिली। मंगलवार को तकरीबन 1% का उछाल था, इस सुबह भी ऊपरी लेवल पर ही ट्रेड कर रहे हैं। $61 के ऊपर है इस समय WTI और $67 के ऊपर है ब्रेंट, सो वहाँ से थोड़ा कंसर्न आ रहा है। रुपए में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली, पिछले 4 दिनों से रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है, तकरीबन 9 पैसे एक बार फिर से रुपया फिसला है, सो वहां से थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं, बट ज्यादातर मार्केट्स के पॉजिटिव या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट ही संकेत हैं। ओके, दीपांशु शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि मंगलवार के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIS/DIS का एक्शन समझते हैं। 114 करोड़ की बिकवाली FIS की तरफ से कैश मार्केट में आती हुई दिखी, वहीं 345 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में घरेलू निवेशक भी कर रहे हैं। वायदा बाजार में FIS की तरफ से 430 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। कैश मार्केट में बिकवाली, लेकिन वायदा बाजार में FIS कर रहे हैं खरीदारी। अब बात करते हैं एक्सपायरी की, कहां हो सकती है साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताएं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, आज एक्सपायरी कहां पर होने की संभावना है? गुड मॉर्निंग मानसी, अब जानकारों से जब हमने बात की तब यही समझ में आ रहा है कि सपाट स्तरों के आसपास ही एक्सपायरी होने की पूरी संभावना है। मैं एक एक करके आपको लेवल्स बता देता हूं। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। यहां पर केवल 13% जानकार मान रहे हैं कि आपको हल्की सी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी 12,150 से लेके 12,200 की रेंज में एक्सपायरी होने की संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा 63% जानकार जो है वो कह रहे हैं कि 12,200 से लेके 250 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, यानी सपाट स्तरों के आसपास। केवल 24% ऐसे हैं बाजार में जो थोड़ी तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं और कह रहे हैं 12,300 तक निफ्टी जा सकता है, लेकिन 12,300 के ऊपर निफ्टी को फिलहाल कोई नहीं देख रहा है। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर रुझान देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए तो 11% जानकार जो है वो थोड़ी सी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, 32,100 से लेकर 32,200 के बीच में एक्सपायरी होने की संभावना है। 53% जो है वो सपाट स्तरों के आसपास, यानी 32,200 से लेकर 32,400 के बीच में एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 36% ऐसे हैं जो मान रहे कि 32,600 तक निपटी जा सकता है अगर यहां पर डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो सपाट स्तरों के आसपास ही एक्सपायरी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। ओके, तो एक रेंज में एक्सपायरी होने की यहां पर उम्मीद हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। आशीष शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग, मंथली एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल बाजारों की चाल को कैसे देखें और भारतीय बाजार के लिए आज की पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, थोड़ी सुस्ती के संकेत हैं, बहुत ज्यादा मूव बाजारों में है नहीं, वॉल्यूम्स भी कम है, छुट्टियों का माहौल है, तो जाहिर सी बात है कि छोटी सी रेंज में रहने चाहिए, लेकिन आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना रह सकती है। 12,200 निफ्टी पर आज निर्णायक लेवल है,
और इस लेवल पर नजर रखनी चाहिए। 12200 के ऊपर जब तक बने हुए तब तक बेहतर है, मजबूत है। 12200 के नीचे आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक बैच छोटी रेंज में आपको दे रहा हूँ निफ्टी के लिए, नीचे की तरफ 12165 और ऊपर की तरफ 12260। इस रेंज में अगर एक्सपायरी के दिन बाजार ट्रेड कर ले तो बड़ी बात नहीं, और अगर फिर भी इसके बाहर निकला तो 50 पॉइंट का 40 पॉइंट का एक एडिशनल मूव गिन लीजिए। 12300 के पास जाने की संभावना नहीं के बराबर है और 12100-12150 की रेंज में बहुत मजबूत सपोर्ट है निफ्टी को, वो आसानी से टूटेगा नहीं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नीचे की तरफ 32,250 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा दिन के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 32,450-32,500 इस रेंज में आकर रुक जाएंगे। तो ये रेंज है जिसको बाजार ट्रेड करने की आज कोशिश करेंगे। बिल्कुल, साथ ही अनिल जी, आज कौन से सेक्टर्स होंगे जिन पर नजर रखनी है और साल की आखिरी वायदा एक्सपायरी कहाँ हो सकती है? सेक्टर स्पेसिफिक बड़ा मूव आने की संभावना कम है एक्चुअली, इनफैक्ट रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और वो भी बेहद कम, तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सेक्टर बड़ा तेजी से बढ़ जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कच्चा तेल जिस तरह से थोड़ा मजबूत होकर आया है, थोड़ी सी तेल कम से ऊपर ऊपरी स्तरों पर दबाव रह सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अदरवाइज कोई बहुत मजबूती वाला या बहुत कमजोरी वाला सेक्टर दिख नहीं रहे हैं आज। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर आप देखिए 12165 से 12260 की रेंज को आप निफ्टी पर मानकर चले। 12220 एक निर्णायक स्तर है जिस पर नजर रखनी होगी, और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमें 32200 से 32500 की ट्रेडिंग रेंज को आप आज के लिए पहली ट्रेडिंग रेंज मानकर चले। और साथ ही निफ्टी देखिए 12165 से 12260 की रेंज में ही कामकाज करेगा, अगर इससे बाहर निकलता है तो फिर ऊपर या नीचे 50 पॉइंट का मूव भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब देवांशी आश्रम से जानते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स हैं जो कि एक्शन में रहेंगे। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, आज सबसे पहले भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल, ये दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे इस ग्रुप के। सबसे पहले इंफ्राटेल की खबर पर नजर करते हैं। इंडस टावर के साथ जो मर्जर होने वाला था उसकी जो तारीख है उसको फिर से एक बार बढ़ा दी है। इसकी बोर्ड की बैठक थी, अब 24 फरवरी तक ये जो तारीख है उन्होंने बढ़ा दी है, लॉन्ग स्टॉप डेट बढ़ाकर 24 फरवरी कर दिया इस बोर्ड की बैठक में। भारतीय एयरटेल इस पर नजर कीजिए, कंपनी की जो ईस्ट अफ्रीकन जो सब्सिडियरी है उसको लिस्ट करने के लिए अब उसकी जो आईपीओ की प्राइस है वो तय कर दी है कंपनी ने, $0.02 प्रति शेयर पर यह प्राइस तय होती हुई दिखी है। साथ ही पिरामल एंटरप्राइज इस पर नजर कीजिए, 7 से 21 तारीख के बीच में राइट इश्यू जारी होते हुए दिखेंगे कंपनी के। राइट इश्यू के जरिए कंपनी 3,650 करोड़ जुटाने की योजना है, 1,300 रुपए प्रति शेयर प्राइस ये तय होता हुआ दिखा है। और साथ ही 28 दिसंबर को बोर्ड की बैठक होने वाली है जहां पे कंपनी करीब 2,750 रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की, एनसीडीज के जरिए ये रकम कंपनी जुटा सकती है। साथ ही विप्रो, इसके लिए अच्छी खबर है, कंसल्टिंग सेवा के जरिए कंपनी अपनी आय बढ़ाना चाहती है, कंसल्टिंग सेगमेंट से जो आय आ रही है उसको दुगनी करने की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है, और 4 से 5 साल के अंदर कंसल्टिंग सेगमेंट से जो आय है उसका योगदान करीब 20% तक पहुंचाने की योजना कंपनी की तरफ आती हुई दिख रही है। यस बैंक, ब्रिकवर्क ने रेटिंग फिर डाउनग्रेड कर दी है। इस बार उन्होंने लोअर टियर 2 बॉन्ड की जो रेटिंग है वो AA- से घटाकर अब A- कर दी है। साथ ही कोल इंडिया, इसके लिए खबर है, FY20 में 40 कोल माइन के जरिए बोली मंगवाने की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है, दिसंबर अंत तक बोली सौंपने के नियम जारी करेगी कंपनी। एवरेडी इंडस्ट्रीज, फिर एक बार अच्छी खबर आती हुई दिख रही है कंपनी के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने हैदराबाद प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दे दी है। 21 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी जो अब हटा दी गई है। मोतीलाल ओसवाल, गुरुग्राम में इंजीनियरिंग फर्म में कंपनी करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, तो इसके चलते हल्के से जो दबाव है इस कंपनी पर आता हुआ दिख सकता है। और आखिर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, और साथ ही आज रिटेल कंपनीज जो हैं जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एबी फैशन जैसी कुछ कंपनीज, इस पर नजर रहेगी। खबर ही आती हुई दिख रही है, रिलायंस रिटेल के जो शेयर धारक है उसके लिए शेयर स्वैप का जो प्रस्ताव है वो सामने आता हुआ दिख रहा है। रिलायंस रिटेल के शेयर धारकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर मिल सकते हैं। हर 4 शेयर्स जो रिलायंस रिटेल के हैं उसके सामने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मिलता हुआ दिख सकता है। इससे जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट, एबी फैशन, साथ ही जो रिटेल कंपनीज हैं इस पर आज नज़र रखें, पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं इस खबर पर। ओके देवांशी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स हम आपको बता देते हैं।
देखिए दो ट्रेडिंग कॉल्स बिकवाली की तरफ इशारा करिए और एक ट्रेडिंग कॉल खरीदारी की है। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है कि सिप्ला में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 485 रुपये और 60 पैसे का पहला टारगेट ध्यान में रखें, 489 रुपीज 65 का टारगेट दूसरा टारगेट आपको ध्यान में रखना है, 471 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय है कि बीपीसीएल और रिलायंस दोनों में बिकवाली की जा सकती है। बीपीसीएल 464 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप बिकवाली कीजिएगा, 488 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही रिलायंस में भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय निर्मल बैंक सिक्योरिटीज मानता है कि यहाँ पर 1528 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 1560 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं हमारे खास शो बाजार आज और कल में जॉइंटरे कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर ने इंट्राडे ऑपोजिशनल ट्रेड के लिए दो शेयर सजाए हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं वो दो शेयर। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स पसंद है, हमारा टारगेट रहेगा 700 और स्टॉप लॉस रहेगा 673। पोजिशनल के हिसाब से हमको इंडसइंड बैंक पसंद है, हमको लग रहा है कि अगर 6-7 दिनों का कॉल लेना है तो करंट लेवल्स पे बाय करे, यहाँ पे स्टॉप लॉस 1475 का रखे और टारगेट रहेगा करीबन 1610। और आपको बता दें बाजार आज और कल में आपको मिलता है बाजार के दिन भर का एक्शन और अगले कारोबारी सत्र में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर एक्सपर्ट देते हैं सलाह। कमाना है मुनाफा तो सोमवार से शुक्रवार शाम 7:26 पर जी बिजनेस के साथ जुड़ना न भूलें। और अब आज बाजार में आपकी कमाई कहां हो सकती है इस पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के निलेश जैन। निलेश गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मंथली एक्सपायरी का दिन है और इस साल की आखिरी एक्सपायरी आज होने जा रही है, इंडेक्स किन लेवल्स पर ट्रेड करता देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। वेल ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी हमारा रुझान पॉजिटिव साइड में ही ज्यादा है, बिकॉज इंडेक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हाई लेवल से हम आते हुए देख सकते हैं, 12,300 का लेवल है, उसके ऊपर की एक्सपायरी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं एट द सेम टाइम डाउन साइड में देखें तो काफी मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, 12,200 का एक इमीडिएट सपोर्ट है फॉलोड बाय 12,150। तो मेरा ही मानना है कि थोड़ी बहुत अगर गिरावट होती है मार्केट में तो खरीदारी करने की सलाह होगी, डाउन साइड में 12,150 का स्टॉप लॉस होगा। और हाई साइड में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि शॉर्ट का रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 12,250 तक के मुंह के लिए। तो आज की जो एक्सपायरी रेंज है वो कहीं ना कहीं 12,200 से 12,250 की एक्सपायरी रेंज हम मान के चल सकते हैं बेस्ड ऑन डेरिवेटिव डेटा। और हाई साइड में अगर पोजिशनल बात करें तो 12,300 के इमीडिएट लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाई साइड में। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी में भी है 31,800 32,000 के, हाई साइड में 32,600 टू 32,550, ये एक 50-100 पॉइंट के रेजिस्टेंस जोन है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की सलाह होगी, हम यहाँ से पॉजिटिव मूव बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, और साथ ही स्टॉक्स कौन से सुझाएंगे आज के लिए आप? दो बाय रिकमेंडेशन है, दोनों ही ट्रेडिंग कॉल्स हैं। पहला है सिप्ला, जिसके अंदर हमने कल के सेशन में एक ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला था, ट्यूजडे के सेशन में 465 का स्टॉप लॉस होगा और 500 के टारगेट होंगे। सेकंड बाय रिकमेंडेशन होगा टाटा केमिकल, जिसके अंदर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो कि ट्यूजडे के सेशन में आता हुआ दिखा था, 670 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं 700 के टारगेट के लिए। ओके निलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो कॉल्स आपको मिल गई टाटा केमिकल्स पर खरीदारी, 700 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, सिप्ला में भी खरीदारी आप 500 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। और साथ ही इंडेक्स पर भी पॉजिटिव नजरिया आज के लिए एक्सपोर्ट की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अब कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं, कमोडिटी बाजार के लिए आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। अनुज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका आउटलुक जानना चाहेंगे, घरेलू बाजार विदेशी बाजार हर तरफ सोने चांदी में खरीदारी के लेवल्स ही हम देख रहे हैं और माना ये भी जा रहा है करीब 7 हफ्तों के ऊंचे लेवल्स पर फिलहाल सोने चांदी में कामकाज है, क्या किया जाए कि यहां से भी खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मनस्वी जी। देखिए $1,500 के ऊपर अब गोल्ड ट्रेड कर रहा है, एक बाइंग यहां पर देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि गोल्ड ने जो 1480 का सपोर्ट लिया है वो अभी भी हमें लगता है कि मेंटेन रहेगा। तो इंट्राडे परस्पेक्टिव से गोल्ड के अंदर बाय करना चाहिए करीबन 38,400 के आसपास, स्टॉप लॉस 38,050 का रहेगा, टारगेट 38,600 तक देखने को मिल सकता है। तो बुलियंस में हमें लगता है कि खरीदारी का माहौल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो खरीदारी सोने में आप 38,600 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए, 38,050 का एक स्टॉप लॉस। लेकिन अनुज कच्चे तेल में देखिए फिर से एक बाउंस देखने को मिल रहा है, करीब 1% की बढ़त के साथ $67 के पार फिलहाल हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड में कामकाज, घरेलू बाजार 4,364 के लेवल, NYMEX क्रूड $61 के ऊपर है। कच्चे तेल की चाल को आप कैसे समझ रहे हैं?
देखिए क्रूड में कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है और धीरे धीरे जो क्रूड का ट्रेंड है वो बुल ट्रेंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। $60 काफी अच्छा सपोर्ट लिया है और अब 61 के ऊपर चल रहा है। हमें लगता है कि क्रूड में भी कंटिन्यूअस बुल ट्रेंड रहेगा। क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि बाय करना चाहिए। करीबन टारगेट हमें लगता है कि 4400 तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 4250 पे लगा सकते हैं। ठीक है अनुज, साथ ही रुपए में देखी कमजोरी है। मंगलवार को करीब 9 पैसे की गिरावट हमने देखी थी। आज रुपए में किन लेवल्स पर ट्रेड होने की संभावना है? देखिए आरबीआई की तरफ से खरीदारी लौटती हुई दिखी है रुपी में और साथ में क्रूड में जो तेजी आई है उससे भी रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट हो सकता है। तो रुपी हमने अगर हम पिछले 5-6 दिनों की बात करें तो कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएशन की तरफ जा रहा है। तो हमें लगता है कि आज भी रुपी में डेप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। तो 71.20 के अराउंड बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 71 पे लगाए। टारगेट हमें लगता है करीबन 71.60 तक मिल सकता है। बिल्कुल अनुज, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आर्थिक स्लोडाउन के बीच आने वाले बजट से बैंकिंग सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री ने कहा कि इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री को इनकम टैक्स की दरें घटानी चाहिए। इस वक्त क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ पे मैंने ये पहले आपसे सवाल पूछा कि एक तकलीफ है और ग्रोथ स्पर करने के लिए गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है बहुत सारे स्टेप्स, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट जो आने वाला है इसमें आप क्या उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट किन चीज़ों पर फोकस करे? एक तो खास करके आपके सेक्टर के लिए आप और कुछ चाहते हैं? ऑलरेडी आपने खुद बोला कि बहुत अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बहुत पॉजिटिव। मेरे हिसाब से अगर ये जो फंडिंग ऑफ स्ट्रेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ये इश्यू जो सॉर्ट हो सकता है ना, तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगी। इट्स नॉट द रियल एस्टेट सेक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ अ जॉब क्रिएशन। रियल एस्टेट सेक्टर में को बूस्ट देने से बहुत से जॉब्स क्रिएट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जॉब्स कहाँ क्रिएट कर होते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मेसन्स, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इंजीनियर्स, इतने सारे लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलती है। इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, स्टील में, पेंट, पावर और बहुत सी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है कनेक्टेड विद हाउसिंग। ये सब इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलती है अगर रियल एस्टेट को बूस्ट मिलती है। सो कुछ रियल एस्टेट के लिए अगर करें तो आई थिंक इट विल बी ह्यूजली बेनिफिशियल। अदर थिंग इज आई थिंक कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो बहुत अच्छा किया है, इट्स वेरी गुड। आई थिंक वी शुड मेंटेन इट एट दिस लेवल। इंडिविजुअल टैक्स रेट जो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट जो 36% से 44% कर दिया है, इसके कारण काफ़ी लोग थोड़ा पीपल आर होल्डिंग बैक ऑन स्पेंडिंग। ये 40 इतना लोग बढ़ने वाले नहीं है 44% टैक्स। इट्स जस्ट इट्स काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल फ्यूअर फैक्टर विच हैज़ गॉट क्रिएटेड। वो मेरे हिसाब से अगर वापस वो सरचार्ज कम कर दे एंड ब्रिंग इट बैक टू द ओल्ड लेवल्स और लोअर लेवल्स, तो आपको कंप्लाई मेरे हिसाब से कंप्लायंस भी बहुत होगा। आई इन माई व्यू 30% शुड बी द मैक्सिमम इंडिविजुअल टैक्स रेट, 30% इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। अगर आप यह करें ना तो ऑटोमेटिकली पीपल लोगों के हाथ में इनकम रहेगी, पीपल विल हैव मनी इन द हैंड्स, सेंटिमेंट्स विल गेट बूस्टेड। हाँ जी, पर्सनल इनकम टैक्स में खास करके द हायर लेवल स्लैब्स, क्योंकि इससे आपकी कंप्लायंस बढ़ेगी, आपका कलेक्शन कम नहीं होगा। मेरे हिसाब से कम नहीं होगा, आप टैक्स रेट कम करेंगे कलेक्शन कम नहीं होगा क्योंकि कंप्लायंस बेटर होगा। ओके, फेयर इनफ। और जो बीच के 15-20 लाख रुपए के लोगों के लिए, उसके लिए भी थोड़ी आई मीन एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड देयर शुड बी लोअरिंग ऑफ टैक्स स्लैब्स। ओके, टैक्स स्लैब्स में थोड़ी सी और मैक्सिमम टैक्स रेट आपको 30-32% ऐसा कुछ रखना चाहिए। ओके, तो दैट बाय एंड लार्ज आई थिंक एड्रेस कर। उससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में इनकम रहेगी, पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग मनी, कंजम्पशन बढ़ेगा। हमारी इंडियन इकोनॉमी इज ऑल डोमेस्टिक, US में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, इससे हमें फर्क पड़ता है थोड़ा तो है, स्टॉक मार्केट को बहुत फर्क पड़ता है बट रियल इकोनॉमी को इतना फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।